हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सवि और आपका स्वागत है मेरे चैनल सवि फैक्ट में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2018 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत के बारे में, जिसके डायरेक्टर थे संजय लीला बंसाली। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, अदिति राव, हैदरी, जिम सार्व, रजा मुराद जैसे बड़े कलाकारों ने काम किया है। IMDB ने इसे रेटिंग दी है 10 में से 7 और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही आल पर क्लिक कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरटेनिंग इन्फो लाती रहूँगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं पद्मावत से जुड़े कुछ अनसुने किस्से जो आपको पता नहीं होंगे। इस फिल्म का टोटल बजट था 180 करोड़ और इसने रिलीज होने के 11 दिन के अंदर 200 करोड़ कमा लिए थे। इस फिल्म की टोटल कमाई 545 करोड़ थी। फिल्म भारत के सिर्फ 70% जगहों पर रिलीज हुई थी, जिसके कारण पहले ही दिन में इस फिल्म को 35 करोड़ का नुकसान हुआ था। दीपिका पादुकोण को इस फिल्म के लिए 12 करोड़ मिले थे, जितना किसी अभिनेत्री को किसी फिल्म के लिए नहीं मिला था। विवादित होने की वजह से फिल्म के सेट कई बार तोड़े गए, जिसके चलते फिल्म का 180 करोड़ का बीमा कराया गया था ताकि फिल्म को नुकसान से बचाया जा सके रिलीज के बाद। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी की कविता पद्मावत, जो 1540 में लिखी गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के 224 साल बाद से ली गई थी। शाहरुख खान को पहले फिल्म के लिए साइन किया जाना था, पर उन्हें मिलने वाली फीस समझ में नहीं आई तो उन्होंने मना कर दिया। शाहिद कपूर के रोल के लिए पहले विकी कौशल को लिया जाना था, पर दीपिका पादुकोण ने सिर्फ एलिस्टेड एक्टर को ही लेने को कहा, इसलिए उन्हें नहीं लिया गया। ऋतिक रोशन और फवाद खान को इस रोल के लिए सोचा जा रहा था, पर अंत में शाहिद कपूर को लिया गया। ये फिल्म शाहिद कपूर की दीपिका, रणबीर और बंसाली के साथ पहली फिल्म थी, साथ ही अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा विवादित फिल्म थी। फ्रेंड्स, बंसाली फिल्म में सलमान खान और ऐश्वर्या राय को लेना चाहते थे, जिसके लिए सलमान खान राजी हो गए थे, पर ऐश्वर्या राय ने एक शर्त रख दी थी कि वो तभी काम करेंगी अगर सलमान खान अलाउद्दीन खिलजी का रोल करेंगे, क्योंकि तब उनका कोई भी सीन सलमान खान के साथ नहीं होगा। फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी के रोल को अच्छे से करने के लिए रणवीर सिंह ने अपने आप को 21 दिन के लिए अपने अपार्टमेंट में बंद कर दिया था और उससे संबंधित कई किताबें भी पढ़ी। वो अलाउद्दीन खिलजी के नकारात्मक किरदार में इतना डूब गए थे कि शूटिंग खत्म होने पर वो नॉर्मल होने के लिए साइकियाट्रिस्ट की मदद लेते थे। प्रियंका चोपड़ा को भी फिल्म में छोटा सा रोल करना था, पर बाद में उन्होंने मना कर दिया। अदिति राव हैदरी को फिल्म में मेहरून निशा का रोल मिला था, जो उन्हें जया बच्चन के सुझाव पर दिया गया था। रजा मुराद ने फिल्म में जलालुद्दीन खिलजी का रोल निभाया है, जिसमें उन्होंने अपने लुक की फोटो अपने फेसबुक पर शेयर कर दी थी, जिसे उन्होंने बंसाली के कहने पर हटा दिया। फ्रेंड्स, फिल्म में रजा मुराद ने रणवीर सिंह को थप्पड़ मारा था, जिसके 24 रिटेक हुए थे और इस कारण रणवीर सिंह का पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान जयगढ़ फोर्ट जयपुर में संजय लीला बंसाली पर राजपूत करनी सेना में अटैक करके फिल्म के साथ को काफी नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा और भी कई जगह फिल्म के सेट पर अटैक हुए थे। हमलावरों का ये कहना था कि फिल्म में महारानी पद्मनी, जिन्होंने अपने समुदाय के लिए बहुत कुछ किया था, उनको अलाउद्दीन खिलजी के साथ रोमांस करते हुए दिखाया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने U/A सर्टिफिकेट दिया था और 5 बदलाव करवाए थे, जिसमें एक बदलाव फिल्म के नाम में भी था, जिसे पद्मावती से पद्मावत कर दिया गया। कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए फिल्म को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा में बैन कर दिया गया था। फिल्म को रिलीज करने के पहले नामी पत्रकार जैसे अर्नब गोस्वामी और रजत शर्मा को दिखाया गया था, जिन्होंने फिल्म की तारीफ की थी। दिल्ली में फिल्म थिएटर के बाहर काफी पुलिस तैनात की गई थी सुरक्षा के लिहाज से। काफी इतिहासकार और मुस्लिम समुदाय के लोग भी नाराज हो गए थे, क्योंकि उनके मुताबिक फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी के किरदार को गलत दर्शाया गया। फिल्म में दीपिका पादुकोण के झूमर गाने में पहना हुआ उनका लहंगा 20 लाख का था और वजन में वो 30 किलोग्राम का था। इस गाने की शूटिंग 4 दिन में खत्म हुई थी और इसके लिए दीपिका ने राजस्थानी डांस 21 दिनों तक ट्रेनिंग ली थी। इस गाने में भी काफी विवाद हुआ था, क्योंकि कहा गया था कि राजपूतों की रानी कभी किसी के सामने नहीं नाचती थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए संजय लीला बंसाली को अवार्ड भी शामिल है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको भी पद्मावत फिल्म से जुड़े कुछ रोचक तथ्य पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।